नंबर जो था वो सनी लियोनी ने किया था लैला में लैला, वो वाली वाइब आ रही थी, लैला में लैला वाली वाइब आ रही थी। गाने हमें समझ तो नहीं आता लेकिन वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, बीट बहुत अच्छी थी। और कि वो हमारा बॉलीवुड वाला है ना कि हीरोइन की और होगी, एग्जैक्टली आइटम सॉन्ग भी तो कोई और ही होता है, हीरोइन को ही होता है। वो इतनी प्यारी लग रही थी, वो जो जब जहाँ से स्टार्ट हुआ था। हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ है तारिक भाई। एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं बांग्लादेश के, साकिब खान उनका नाम है और उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और जितने भी यानी कि ना लोग हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं बांग्लादेश से, वो सब कह रहे होते हैं कि आप शाहरुख खान की बात कर रहे होते, सलमान खान की बात कर रहे होते, हमारे पास भी एक सुपर स्टार है, आप उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे होते। तो हमने कहा कि भाई पहले हमने डिसाइड किया था कि हम साकिब खान के 10 जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स हैं वो हम सुनेंगे, बट हमने कहा वो हम बाद में सुनेंगे। अभी तूफान आ रही है उनकी एक मूवी और उसमें मिमी भी है, मिमी भी बहुत एक प्यारी जो है एक्ट्रेस है। तो अब ये गाना हम इनका सुनते हैं, लागे उड़ा द्वारा, और ये तूफान इनकी एक मूवी आ रही है जिसमें ये गाना है। तो अभी तक हमने बांग्लादेश का कोई सॉन्ग नहीं सुना, ये फर्स्ट टाइम होगा जो मैं पर्सनली सुनने लगी हूँ। और मतलब मैंने तो इतना इनको नहीं देखा, साकिब खान को भी नहीं देखा, तो मैं फर्स्ट टाइम सुनने लगी, मुझे पता चलेगा कि क्यों लोग इतने फैन है इनके, क्यों लोग इतना पसंद करते हैं। मैंने कुछ सॉन्ग सुने थोड़े से, यानी कि ना क्लिप्स ऐसे होते हैं बहुत वायरल हो जाते हैं, तो वो मैंने एक दो दफा देखा है, बट ऐसे मैंने बैठ के मूवी नहीं देखी कोई। तो अब देखते हैं, ये गाना सुनते हैं और फिर आपके साथ अपना रिएक्शन शेयर करेंगे। जो भी हमारा रिएक्शन होगा वो वीडियो के लास्ट में होगा, तो ये वीडियो हमने एंड तक देखनी है। स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे लग रहा है कि ये जो मूवी है ना, ये तो ब्लॉकबस्टर हिट होने लग रहा है। मतलब आइटम सॉन्ग था कि इतना तो पता चल रहा था, और गाने हमें समझ तो नहीं आता लेकिन वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, बीट बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से कैमरा और कोरियोग्राफी हर चीज परफेक्ट थी। बाकी ईशा ने बिल्कुल सही बात की है कि हमें ना अपने दिमाग में लगता था कि यार
कोरियोग्राफर तो सिर्फ इंडिया के हैं, बॉलीवुड लेकिन नहीं भाई, पता चल रहा है एक एक मूव एग्जैक्ट था। जैसे कि मुझे जब मुझसे पूछा जाए ना कि कोरियोग्राफी का, मैं कहती हूँ गणेश आचार्य है और वो प्रभु उनके एक हैं बड़े, और मतलब उनका वो ऐसा सेशन चलता रहता है कि नए नए ऐड होते रहते हैं, जैसे वो शोज चलते रहते हैं तो वो नए नए ऐड होते हैं, तो उनका मैं ज्यादा आइडिया होता है। बट अभी जब मैंने बांग्लादेश का ये वाला गाना सुना है भाई, प्रॉपर उनके स्टेप्स थे यार, प्रॉपर स्टेप्स थे। और जो उनका नाम है मिमी चक्रवर्ती, उनका ये नाम है, वो इतनी प्यारी लग रही थी, वो जो जब जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना उनके पाँव से, वो बहुत अच्छा था, वो मतलब जिस तरह से प्रॉपर था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि हमें हमें होता है कि भाई हॉलीवुड की सेलिब्रिटी प्यारी है, स्कारलेट जोहानसन या बॉलीवुड आलिया भट्ट, लेकिन भाई मिमी किसी, हम भूल गए थे, हमें आज पता चल गया है। लेकिन एक बार है, पाकिस्तान की भी बहुत प्यारी है। हाँ, और अब पता चल रहा है लोग इनके इतने फैन क्यों हैं यार, अच्छे खासे हैंडसम है। और जिस तरह से वो कर रहे थे स्टार्टअप किया, वो मतलब उन्हीं के साथ मैच करते हैं अगर हम, तो शाहरुख सलमान तो है चार्म है, और एक ऑरा होता है ना, तो वो ऑरा है। अब हमें पता लगा है कि बांग्लादेश के जो लोग इतने ज्यादा क्रेजी फैन हुए हैं, सुपरस्टार हैं, तो वो क्यों है भाई। और वैसे भी बांग्लादेश के लोग जहाँ तक मुझे पता है हंसमुख से हैं, खुश रहने वाले हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने शायद वो एक बार वीडियो में कि वो स्माइल नहीं लोग पसंद करते, तो उसपे ना उस सब ने बोला हुआ था, क्रिटिसाइज किया था, नहीं 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 यहाँ पर तो बहुत लोग हंसते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये हमें तब भी लग रहा था कि गलत है, उसमें भी हमें लग रहा था कि ये कैसा फैक्ट है, कैसे हो सकता है, सही नहीं हो सकता। और बाकी वो लोग बहुत हंसमुख यानी कि ना अच्छे मिजाज के लोग हैं, जहाँ तक हमने उनकी वीडियोस देखी या उनके, लेकिन वीडियो में एक दो हो जाते हैं कि फैक्ट गलत हो जाते हैं, किसी की रिसर्च थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन आप लोग हैं ना करेक्ट करने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि ये बड़ा होता है। एक एक नाम भी अगर कोई गलत ले लो ना, तो वो बड़ा भी करेक्शन कर देते हैं, ये गलत है। और अभी जैसे कि हम पता इनका जो प्रोनाउंस करना है ना, क्योंकि एस के बाद एच भी है, लेकिन मैं इनको साकिब खान ही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो अब ये मुझे आइडिया नहीं है, पता चल जाएगा हमें, हमें पता लग जाएगा कि शाह है या शाह है। लेकिन अब तूफान का जो ट्रेलर है वो हमने देखना है भाई। अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है कि इसका क्या ट्रेलर है, और मूवी देखेंगे उसके और मतलब हीरोइन कौन है, ये मिमी, आई थिंक मिमी चक्रवर्ती जो लड़की है यही हीरोइन है, यही हीरोइन है, यही हीरोइन है। ओके, लेट्स सी, देखेंगे ट्रेलर, क्योंकि वो हमारा बॉलीवुड वाला है ना कि हीरोइन की और होगी, एग्जैक्टली आइटम सॉन्ग में तो कोई और ही होता है, हीरोइन कोई और, जैसे वो रईस में ना, रईस में मायरा खान थी शाहरुख खान के साथ, और आइटम नंबर जो था वो सनी लियोनी ने किया था, लैला में लैला, वो वाली वाइब आ रही थी, लैला में लैला वाली वाइब आ रही थी, और थोड़ी सी कार्तिक आर्यन वाली वाइब आ रही थी कि वो जैसे वो डांस कर रहे हैं, डांस करता है। खैर, आप लोग बताएं कि ये गाना आप लोगों को कैसा लगा है, आई मीन इंडियंस भी देख रहे होंगे, वो भी व्यूअर्स अपना जो, लेकिन सबसे अच्छा तो बांग्लादेश के लोगों को लगा होगा, क्योंकि उनको समझ आई, हमें थोड़ा लैंग्वेज का लैंग्वेज बैरियर हम लोगों के लिए हो गया इंडियंस और हमारे लिए, लेकिन आप लोगों को जिनको समझ आई है वो हमें जरूर बताएं कि कैसा है गाना, इस मूवी में कौन है, पाकिस्तान में भी काफी बंगाली हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको हर लैंग्वेज आती होती है, तो वो भी समझ गए होंगे कि क्या है। अपनी जो भी आपकी ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक करें और देखते रहे इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।